नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दिल से दिल्ली में। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। तो फ्रेंड, सर्दियों का मौसम है और हरी सब्जियों का भी सीज़न है। सर्दियों के मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए। हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है हरी सब्जियाँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ साग, जिसके लिए मैंने लिया आधी किलो पालक, आधी किलो सरसों और 250 ग्राम मैंने बथुआ लिया है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, यहाँ हरी सब्जियाँ मैंने रखी हुई हैं किचन में और ग्रेवी की भी तैयारी कर रखी है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 8-10 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं और 3 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है और 8-10 कलियाँ मैंने लहसुन की लिए। इनकी हमें ग्रेवी बनाकर तैयार करनी है साग बनाने के लिए। साग को मैं यहाँ कुकर में उबालूंगी। यहाँ मैंने गैस पर कुकर चढ़ा दिया है, 1 गिलास पानी डालकर और साग रख दिया उसमें। 1 सीटी ही लगानी है इसमें। इसको मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है ठंडे पानी में। अब मिक्सी में इसको पीसेंगे हम, क्योंकि आप अगर जार में पीस रहे हैं इसको तो गरम गरम आप साग मिक्सी के जार में नहीं पीस सकते। आपको थोड़ा ठंडा कर कर ही साग को पीसना चाहिए। यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी डालकर ठंडा कर लिया साग को, अब मिक्सी में पीसेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा मोटा ही पीसा है साग, आप चाहे तो उसको बारीक भी पीस सकते हैं। ये देखिए, साग हमने पीस लिया है। अब ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे हम साग बनाने के लिए। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और 2 चम्मच तेल डाल दिया है मैंने इसमें। गैस का फ्लेम यहाँ मैंने लो रखा हुआ है। यहाँ मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल दिए और प्याज भी डाल दिए कढ़ाई में। थोड़ा इसको भून लेंगे, हल्का सॉफ्ट होने तक इसको भूनेंगे। ये देखिए, हल्की सॉफ्ट हमारी प्याज हो चुकी है। अब टमाटर ऐड करेंगे इसमें। ये टमाटर ऐड कर दिए और ये देखिए, थोड़ा इसको भून लेंगे। और इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी अभी, वो भी इसलिए डालूंगी क्योंकि हमारी जो ग्रेवी है ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और 10 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे। यहाँ पर इसको ढक देते हैं। अब ये देखिए, 10 मिनट यहाँ हमारे हो चुके हैं और ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है। देखिए, कड़छी से चेक कर लेते हैं, थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है हमारी ग्रेवी। अब इसको भी हम मिक्सी में पीसेंगे। इसको भी थोड़ा ठंडा कर कर ही पीसेंगे हम। ये देखिए, मिक्सी में मैंने डाल दी है ग्रेवी, अब पीस लेंगे इसको। ये देखिए, ग्रेवी बनकर हमारी तैयार है। ग्रेवी बनाने के यहाँ मैंने थोड़ा सा मक्खन लिया है, 2 चम्मच घी लिया है। कढ़ाई में मैंने इसको डाल दिया है। अब इसको घी को भी मैं ऐड कर दूंगी मक्खन के साथ। गैस का फ्लेम आपने ही यहाँ पर लो ही रखना है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और 3 साबुत लाल मिर्च। इसको भून लेंगे अच्छी तरह। हमने जो ग्रेवी बनाई मिक्सी में उसको हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे और 1 चम्मच इसमें देगी मिर्च ऐड करूंगी और 1 चम्मच नमक। नमक आप स्वाद अनुसार ही डालें इसमें। ये देखिए, अब 5-7 मिनट के लिए हम इसको ग्रेवी को पकाएंगे। हम इसको जब तक पकाना है जब तक कि साइडों में से इसका तेल अच्छे से ग्रेवी का निकल ना जाए। ये 2 चम्मच मैंने मक्की का आटा लिया है, 1 चम्मच घी में हम इसको भूनेंगे। आप चाहे तो कढ़ाई में जब तेल डालकर आप जीरा भूनते हैं तो उसमें 2 चम्मच मक्की का आटा भी भून सकते हैं साथ साथ, और फिर उसमें ग्रेवी डाल सकते हैं। यहाँ मैं अलग से भून कर ही इसमें ग्रेवी में मक्की का आटा मिलाऊंगी। ये देखिए, ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अब इसमें मैं मक्की का आटा जो मैंने अलग से भुना था उसमें डालकर मिला देंगे हम। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ये देखिए, अब इसमें हम साग ऐड कर देंगे। जो हमने मक्की का आटा इसमें ऐड करा है ग्रेवी में, उसे डालने से इसका साग का स्वाद और भी दुगना हो जाता है। बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा लगता है साग ये खाने में। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा कलर आया हमारे साग का। अगर आप इस तरह से साग बनाकर खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हम 10-15 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे इसको। ये देखिए, 10-15 मिनट हमारे हो चुके हैं। यहाँ साग हमारा बनकर तैयार है और लास्ट में 1/2 चम्मच मैंने यहाँ गरम मसाला ऐड किया है साग में। ये देखिए, कितना अच्छा कलर आया हमारे साग का। तो फ्रेंड, अब साग को हम एक बाउल में निकालेंगे सर्व करने के लिए। ये देखिए, हमने साग को निकाल लिया एक बाउल में और इसमें डालेंगे हम ढेर सारा देसी घी, क्योंकि देसी घी के बिना साग अधूरा है। ये देखिए, ढेर सारा घी हमने इसमें डाल दिया है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, चपाती के साथ, लच्छे पराठे के साथ, मक्के की रोटी के साथ या बाजरे की रोटी के साथ भी खा सकते हैं।
तो फ्रेंड ये मेरी छोटी सी कोशिश है, इस छोटी सी कोशिश को आपने बड़ा बनाना है मुझे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।